नमस्कार दोस्तों, मैं अजय दाऊ आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में, जहां हम आज बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ होटल्स। जी हां दोस्तों, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है हमारे चैनल पे। मैं आपको एडवांस में बता दूं कि ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ होटल्स है, ये वीडियो कम से कम 30 से 35 मिनट का बनेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ही आप इसको देखिए। और ये वीडियो मैंने एक PPT फॉर्मेट में बनाया है, जहाँ पे मैंने हर एक टाइप के होटल्स को क्लासिफाई किया हुआ है। देखिए, वैसे तो हम होटल्स को 6 से 7 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, जो मैंने इस वीडियो में कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ और आपसे प्रॉमिस भी करता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लिया तो आपको कोई भी आर्टिकल या फिर कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, या फिर क्लाइंटल भी बोलते हैं इसको, कि लोकेशन के हिसाब से हम होटल्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले आता है हमारा डाउनटाउन होटल। देखिए, डाउनटाउन होटल को हम कमर्शियल होटल्स, सिटी सेंटर होटल्स भी बोलते हैं। और ये जो डाउनटाउन होटल होते हैं, ये किसी भी सिटी के एकदम सेंटर में लोकेटेड होते हैं और बहुत ही एक शॉर्ट डिस्टेंस पे होते हैं। बिजनेस सेंटर, शॉपिंग एरिया, थिएटर्स, पब्लिक ऑफिसेस, मतलब वहाँ से सारी कन्वीनियंसेस या फिर सारी जो सुविधाएं होती हैं वो आसपास ही होती हैं। और ये सिचुएट होते हैं कमर्शियल हब ऑफ द सिटी। और ऐसे होटल्स के, मतलब डाउनटाउन होटल्स के जो रूम रेट्स होते हैं, वो थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं दूसरे होटल से कंपैरिजन में, बिकॉज ऑफ द फैसिलिटी जो ये प्रोवाइड करते हैं। और इन होटल्स का जो लैंडिंग कॉस्ट होता है, मतलब जब कभी भी ये होटल बना होगा तो जो लैंड अलॉट हुई होगी इनको, तो वो भी बहुत एक्सपेंसिव होती है, बिकॉज ऑफ द लोकेशन, कि लोकेशन इतना अच्छा है करके। जो होटल होते हैं डाउनटाउन होटल्स, ये जनरली बिजनेस क्लाइंटल द्वारा प्रिफर किए जाते हैं, क्योंकि ये एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप्स, ऑफिसेस इनके नियर होते हैं, तो उनके लिए भी बहुत इजी रहता है इसको प्रेफर करना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सब अर्बन होटल्स की। देखिए, जो लैंड कॉस्ट होता है वो डाउनटाउन होटल्स में बहुत ज़्यादा होता है, और वहाँ पे स्पेस भी लिमिटेड होता है, बिकॉज वो एरिया पहले से ही डेवलप हो चुका होता है। इसलिए जो बिजनेसमैन होते हैं, जो होटल्स बनाना चाहते हैं, वो सब अर्बन होटल्स के केस में वो होटल्स सिटी के आउटस्कर्ट्स में लेना प्रेफर करते हैं, मतलब वहाँ पे वो लैंड लेना प्रेफर करते हैं और फिर वहाँ पे होटल बिल्ड करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लैंड बहुत ही सस्ते रेट में मिल जाता है और गवर्नमेंट की टैक्सेस में भी बहुत ज़्यादा छूट मिलती है। और ये सिमिलर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जैसे कि एक डाउनटाउन होटल, कमर्शियल होटल करता है। देखिए, ये जो होटल्स होते हैं ये आइडियल होते हैं उन लोगों के लिए जो हसल बसल से या फिर शोर शराबे से दूर रहना चाहते हैं। तो इसलिए ये जो सब अर्बन होटल्स होते हैं, ये आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी में सिचुएटेड होते हैं, और यहाँ पे जो गेस्ट होते हैं वो प्रेफरेबली थोड़े ज़्यादा दिन के लिए होते हैं, एंड इनके जो रूम रेट्स होते हैं वो भी इतने ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं इन कंपैरिजन टू डाउनटाउन होटल्स। नेक्स्ट है हमारा रिजॉर्ट होटल्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कभी ना कभी अपने लाइफ में तो ये वर्ड ज़रूर सुना होगा, रिजॉर्ट होटल्स, जिसको हम हिल रिजॉर्ट, हेल्थ रिजॉर्ट, बीच रिजॉर्ट होटल्स भी बोलते हैं। देखिए, ये जो रिजॉर्ट होटल्स होते हैं ये लोकेटेड होते हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे, जैसे कि हिल स्टेशन, सी बीचेस, कंट्री साइट्स, ऐसी जगहों पे ये होटल्स सिचुएटेड होते हैं। और ये जो होटल्स होते हैं, ये इनका जो एम्बियंस होता है वो बहुत नेचुरल होता है, मतलब आसपास ग्रीनरी रहती है एंड जो वातावरण रहता है वो भी बहुत काम रहता है। और ये जो होटल्स होते हैं ये मोस्टली सिचुएटेड होते हैं पॉल्यूशन फ्री एरियाज़ में, एंड जो इनके रूम रेट होते हैं वो मॉडरेट टू हाई हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द फैसिलिटी ये लोग जो प्रोवाइड करते हैं, मतलब ये रूम तो प्रोवाइड करते ही हैं, साथ में रिक्रिएशनल के लिए, खेलने के लिए बच्चों के, क्लब्स, तो ये सब फैसिलिटी भी रिजॉर्ट होटल प्रोवाइड करता है। और जो ऑक्यूपेंसी होता है रिजॉर्ट होटल में वो नॉर्मली हाई होता है वेकेशन टाइम पे, या जब कभी भी कोई ब्रेक आता है तो, या फिर वीकेंड पे, क्योंकि तब ज़्यादा लोग ट्रैवल करना प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एयरपोर्ट होटल्स। देखिए, ये जो एयरपोर्ट होटल्स होते हैं ये सिचुएटेड होते हैं एयरपोर्ट के आसपास या फिर अदर पोर्ट्स ऑफ द एंट्रीज में, एंड ये जो एयरपोर्ट होटल होते हैं ये जनरली केटर करते हैं ट्रांजिएंट गेस्ट को, जो एक रात के लिए या फिर कुछ घंटों के लिए रूम लेते हैं और अगले दिन उनकी फ़्लाइट होती है, या फिर वो केबिन क्रू के मेंबर्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोटल, जिसको हम फ्री वे होटल्स भी बोलते हैं।
ये जो वर्ड है मोटेल, ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, पहला मोटर, दूसरा होटल। एंड जो मोटल्स होते हैं वो हाईवे पे सिचुएटेड होते हैं, और जो ट्रैवलर्स होते हैं ये उनकी नीड को ये केटर करते हैं। और जो यहाँ पे लेंथ ऑफ स्टे हो सकता है वो यूजली ओवरनाइट होता है, कि जैसे कि कोई ट्रैवल कर रहा है, बहुत रात हो गई है, बहुत अंधेरा हो गया है, तो गेस्ट को साइड में एक होटल दिख गया, जिसे जो होता है एक्चुअली मोटेल, वहाँ पे उसने स्टे किया ओवरनाइट, और अर्ली मॉर्निंग जैसे ही ब्रेकफास्ट वगैरह किया, वहाँ से वो फिर आगे अपनी जर्नी के लिए निकल गए। तो जनरली जिनका स्टे होता है वो ओवरनाइट के लिए होता है। और ये जो मोटेल्स होते हैं ये और भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एकोमोडेशन, फूड एंड ड्रिंक्स, गैराज फैसिलिटी, गाड़ी वगैरह ख़राब हो गई है या फिर गाड़ी बनवानी है, पार्किंग की फैसिलिटी करते हैं, रिफ्यूलिंग ऑफ व्हीकल्स करते हैं, जैसे CNG, डीजल, पेट्रोल भरवाना, तो ये फैसिलिटीज़ भी मोटल्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्लोटल्स। देखिए जो ये फ्लोटल्स होते हैं ये ऐसी लॉजिंग प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करते हैं जो फ्लोट कर सकते हैं सरफेस ऑफ वाटर पे। मतलब कि जैसे आपने क्रूज शिप्स देखे होंगे, बोट्स देखी होंगी, जो अकोमोडेशन और फूड एंड बेवरेज की सर्विस प्रोवाइड करती हैं, तो उनको हम फ्लोटल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रोटेल्स। ये रोटेल्स का मतलब होता है कि रोटेट करते हैं व्हील्स पे, इसलिए ही हम इनको रोटेल्स बोलते हैं, और इनको हम मोटेल्स ऑन व्हील्स भी बोलते हैं। और इनका बेस्ट एग्जाम्पल है रोटेल्स इन इंडिया, पैलेस ऑन व्हील्स। और ये जो रोटेल्स होते हैं ये इंक्लूड करते हैं सम ऑफ द लार्ज ट्रक्स ऑल्सो, जिनका इंटीरियर एकदम होटल रूम के टाइप होता है, और वहाँ पर भी आपको लिविंग एरिया मिल जाएगा, प्लस आपको फूड एंड बेवरेज की सर्विसेज मिल जाएंगी। और इस कैटेगरी में लास्ट है हमारा फॉरेस्ट होटल्स, जो फॉरेस्ट एरिया में होता है, जो केटर करता है टूरिस्ट को जो फॉरेस्ट के अंदर घूमने जाते हैं। तो दोस्तों जल्दी से रिकैप ले लेते हैं कि लोकेशन और क्लाइंटेल के बेसिस पे हमारे पास कौन कौन से होटल हैं। पहला है डाउनटाउन होटल, सब अर्बन होटल, रिजॉर्ट होटल, एयरपोर्ट होटल, मोटेल, फ्लोटेल, रोटेल्स एंड फॉरेस्ट होटल्स। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज, 5 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉल होटल्स की। कोई भी होटल इंडिया के अंदर अगर 25 रूम का है या उससे कम है तो उसको स्मॉल होटल्स कंसीडर किया जाता है। वहीं अब्रॉड में, मतलब इंडिया के बाहर, अगर 100 रूम से कम होटल है तो उसको स्मॉल होटल कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा मीडियम होटल्स। अगर इंडिया के अंदर कोई होटल 26 रूम से 100 रूम के बीच में है तो उसको हम मीडियम होटल बोलते हैं। वहीं इंडिया से बाहर 100 रूम टू 300 रूम के बीच में है तो उसको हम मीडियम होटल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लार्ज होटल्स। देखिए इंडिया के अंदर अगर कोई भी होटल के रूम की इन्वेंट्री 101 रूम से लेकर 300 रूम तक है तो उसको हम लार्ज होटल्स बोलते हैं। वहीं इंडिया के बाहर अगर रूम की इन्वेंट्री 301 रूम से लेकर 600 रूम तक है तो उसको हम लार्ज होटल्स बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा वेरी लार्ज होटल्स। इंडिया के अंदर कोई भी होटल अगर 300 प्लस रूम का है तो उसको वेरी लार्ज होटल्स बोलते हैं। वहीं इंडिया के बाहर इसको 600 रूम से लेके 1000 रूम तक की प्रॉपर्टी को हम वेरी लार्ज होटल्स बोलते हैं। और लास्ट आता है हमारा मेगा होटल्स। तो कोई भी होटल अगर 1000 रूम तक का है या उससे ज़्यादा है उसको हम बोलेंगे मेगा होटल्स। जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ होटल्स बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ सर्विस, मतलब वो किस लेवल की सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन कैसे किया जा सकता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा बजट होटल्स, जिनको हम बोलते हैं इकोनॉमी होटल्स भी। तो देखिए ये जो बजट होटल्स होते हैं इनका जो मेनली फोकस होता है वो होता है बेसिक नीड्स ऑफ गेस्ट, मतलब इनको प्रोवाइड करना क्लीन एंड कंफर्ट एनवायरनमेंट, बेड से बेडशीट बिछी होनी चाहिए, क्लीन बेडशीट होनी चाहिए, मतलब एक रूम रहने लायक रूम होना चाहिए विद लिटिल एमिनिटीज़, और ये रूम्स इतने एक्सपेंसिव भी नहीं होने चाहिए। और दीज होटल्स हैव क्लीन कम्फर्टेबल गेस्ट रूम्स, कॉफ़ी शॉप हो सकता है, मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट हो सकता है, रूम के अंदर टेलीफोन हो सकता है, टीवी हो सकता है, चैनल म्यूजिक हो सकता है, दे ऑल्सो मे हैव अ स्विमिंग पूल ऑल्सो एंड अ ब्यूटी पार्लर एज वेल। तो ये सब जो फैसिलिटी, कुछ ऐसी फैसिलिटीज हैं जो बजट होटल्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है हमारा मिड मार्केट या फिर मिड रेंज सर्विस होटल्स। देखिए ये जो होटल्स होते हैं ये मॉडर्न सर्विस प्रोवाइड करते हैंगे, एंड ये जो ऐसे लग्जरी होटल्स होते हैं ये उस लेवल की सर्विस तो नहीं लेकिन उनसे ही सिमिलर, मतलब उनसे ही मिलती जुलती सर्विसेज ये प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि रूम सर्विस,
24/7 कॉफ़ी शॉप्स हो गए एंड एयरपोर्ट पिकअप, एयरपोर्ट ड्रॉप हो गया, मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट विद बार हो गया। तो ये जो ऐसे होटल्स होते हैं ये टिपिकली ऑफर करते हैं मिड डे सर्विसेज, जो इनका रूम नंबर हो सकता है वो हो सकता है 150 से 300 रूम के बीच में ये हो सकते हैं। एंड ये जो अप मार्केट है, मतलब क्लासिफिकेशन में जो सबसे ऊपर है अप मार्केट होटल्स, उनसे इनका रूम रेट काफ़ी कम होता है। इसलिए जो मोस्ट ऑफ द इंडियंस हैं या फिर जो मोस्ट ऑफ द होटल्स हैं वो इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं और वो गेस्ट को भी यही अप्रोच करते हैं कि वो इसी होटल्स में आकर रहें, बिकॉज ये उनकी पॉकेट को सूट भी करता है। नेक्स्ट है हमारा अप मार्केट होटल, जिसको हम लग्जरी होटल्स, वर्ल्ड क्लास सर्विस होटल्स भी बोलते हैं। ये टारगेट करते हैं सोसाइटी ऑफ सेगमेंट जो काफ़ी ऊपर है, जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट विद पर्सनलाइज्ड सर्विस विद हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स परफॉर्म करती है एंड ये एम्फसाइज करते हैं एक्सेलेंस एंड क्लास पे। इनका जो डिज़ाइन एंड इंटीरियर डेकोर होता है होटल का वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब ये प्रोवाइड करते हैं अपस्केल रेस्टोरेंट, लॉन्जेस, कॉन्सियर्ज सर्विस, बेल डेस्क, ट्रेवल डेस्क एंड विद द एम्पल ऑफ एमिनिटीज एज वेल इन द होटल। एंड इन होटल के अंदर आपको फैसिलिटी मिल सकती है हेल्थ क्लब के साथ, ट्रेनर की, जिम, स्पा, सलून, बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं एंड इवन विद अ डेटिशन एज वेल। एंड ये जो होटल होते हैं ये जनरली प्रेफर करते हैं बिजनेस एग्जीक्यूटिव, सेलिब्रिटीज़, हाई रैंक पॉलिटिशियंस एंड CEO एंड COO ऑफ बिजनेस कंपनीज। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ स्टे, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा कमर्शियल होटल्स। यहाँ पे गेस्ट बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए रहते हैं, रेंजिंग फ्रॉम 2-3 दिन से लेके 1 वीक तक भी रह सकते हैं कमर्शियल होटल्स के अंदर। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिएंट होटल्स। देखिए ये जो होटल्स होते हैं ये मेनली ट्रांजिएंट गेस्ट को ही केटर करते हैं। ट्रांजिएंट गेस्ट वो हमारे गेस्ट होते हैं जो एक जगह से ट्रैवल कर रहे हैं और दूसरी जगह जा रहे हैं और बीच में उन्होंने कहीं स्टे किया है फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मे बी फॉर फ्यू आवर्स और मे बी फॉर 1 or 2 डे अपनी अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। और ये जो होटल्स होते हैं ये जनरली ऑपरेट करते हैं यूरोपियन प्लान पे। नेक्स्ट आता है हमारा सेमी रेजिडेंट होटल्स। देखिए ये जो होटल्स होते हैं ये कॉम्बिनेशन होता है आपका ट्रांजिएंट होटल का एंड रेजिडेंट होटल्स के। तो ये जो होटल्स होते हैं ये भी, इनका जो ड्यूरेशन ऑफ स्टे होता है ये रेंज कर सकता है 1 वीक से लेके कुछ महीनों तक भी। नेक्स्ट है हमारा रेजिडेंशियल या फिर अपार्टमेंट होटल्स। देखिए ये जो होटल्स होते हैं ये बेसिकली एक अपार्टमेंट बिल्डिंग की तरह होते हैं, जो प्रोवाइड करते हैं मेड सर्विसेज, डाइनिंग रूम, रूम मील सर्विस। और ये जो ऐसे होटल्स होते हैं ये मिड रेंज से लेकर लग्जरियस फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं एंड ये जनरली ऑपरेट करते हैं अमेरिकन प्लान पे, जहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो हमारे रेजिडेंशियल गेस्ट होते हैं इनको अपार्टमेंट होटल्स भी बोला जाता है और इनके जो रूम्स होते हैं वो मंथली बेसिस पे या फिर ईयरली बेसिस पे भी सेल हो सकते हैं। एंड ऑलमोस्ट ऑल रेजिडेंशियल गेस्ट ऑपरेट्स अ रेस्टोरेंट, मतलब यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी होता है जो टेलीफोन सर्विसेज, लॉन्ड्री सर्विसेज, वैले सर्विसेज भी इन होटल में प्रोवाइड किया जाता है। और रेजिडेंशियल गेस्ट से जनरली एडवांस में पैसा ले लिया जाता है और इनको वीकली या फिर 10 दिन में बिलिंग की जाती है। नेक्स्ट है हमारा एक्सटेंडेड स्टे होटल्स। देखिए ये जो होटल्स एक्सटेंडेड स्टे ये टाइप ऑफ लॉजिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जो एकदम घर वाली फीलिंग देता है, मतलब इसमें होम लाइक अम्यूनिटीज़ होती हैं, जैसे कि आप लॉन्ड्री कर सकते हो, सेल्फ लॉन्ड्री होता है, आपको लॉन्ड्री के ऊपर डिस्काउंट मिलता है। जनरली आप इसमें किचन होता है जहाँ पे आप खुद से खाना बना सकते हैं, पूरा किचन के आइटम्स दिए होते हैं। और जनरली ये जो रूम्स होते हैं ये मंथली, ईयरली बेसिस या फिर 15-20 डेज के लिए भी सेल किए जाते हैं। और जो किचन में जो हमारे आइटम्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो होते हैं हमारे सिंक, रेफ्रिजरेटर, माइक्रो ओवन, स्टोव ओवन, डिश वॉशर्स, कन्वेंशनल ओवन। तो ये सब जो फैसिलिटी होती है वो ये प्रोवाइड करते हैं। और ये जो एक्सटेंडेड स्टे होटल्स होते हैं ये एम करते हैं बिजनेस ट्रैवलर्स ऑन एक्सटेंडेड असाइनमेंट्स, जैसे कि मान लो किसी एक बिजनेस ग्रुप को किसी दूसरी जगह भेज दिया गया है कि भाई आप वहाँ जाओगे 2 महीना उस साइट पे काम करोगे, वहाँ से फिर आपको वापस आना है लेकिन आप कंपनी के स्टे पे ही जाओगे। तो वैसी जगहों पे ज़्यादातर एक्सटेंडेड स्टे होटल्स ही यूज़ करते हैं। देखिए ये जो धर्मशाला होता है ये आपको मोस्टली मिलेगा कोई भी पिलग्रिमेज प्लेसेस के पास, मतलब कि जहाँ पे पूजा पाठ का स्थल हो। और ये धर्मशाला मोस्टली कंस्ट्रक्ट किया जाता है वेलफेयर ट्रस्ट, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और इवन स्टेट के द्वारा भी। और इनका जो बेसिक मोटिव होता है
वो होता है सिक्योरिटी एंड स्लीपिंग फैसिलिटी ये प्रोवाइड करते हैं एक बहुत ही कम प्राइस में। नेक्स्ट आता है हमारा डाक बंगलो, जिसको हम सर्किट हाउस, इंस्पेक्शन बंगलो, फर्स्ट लॉज भी बोलते हैं। देखिए ये एक ब्रिटिश राज की लेगेसी है, मतलब ये बहुत पहले ब्रिटिश राज में ये ऐसे बंगलोज बनाए जाते थे, तो उनकी लेगेसी है जो चली आ रही है। एंड ये दीज वर बिल्ड एज अ रेस्ट हाउसेज, मतलब ये सिर्फ रेस्ट करने के पर्पज से ही ये बनाए गए थे और पूरी कंट्रीज में बनाए गए थे, रिमोट एरिया में भी। और इनकी जो प्रॉपर्टी होती है ये बहुत ही चार्म, बहुत ही ओल्ड फैशन स्टाइल ये लुक देते हैं, और ये एज अ पार्ट ऑफ अट्रैक्शन। एंड इनका जो टैरिफ होता है वो बहुत ही कम होता है, मतलब जो इनका रेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। और इनको वेरियस स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करती है थ्रू द लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। एंड ये अभी भी लॉजिंग प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करते हैं रिमोट एरियाज में भी। नेक्स्ट आता है हमारा लॉजेज एंड बोर्डिंग हाउसेज। आपने लॉजेज हमेशा देखे होंगे, आप कहीं भी ट्रैवल करते होंगे तो आपने, चाहे आप फ्लाइट से ट्रैवल करें, आप रेलवे स्टेशन से ट्रैवल करें, तो आप देखते होंगे रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर लिखा रहता है लॉजिंग फैसिलिटी, लॉजिंग फैसिलिटी। तो क्या होता है आइए देखते हैं। ये जो लॉजेज होते हैं ये मॉडेस्ट होटल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एंड ये दूर होते हैं सेंटर ऑफ द सिटी से, ये लोकेट होते हैं रिमोट डेस्टिनेशन पे। एंड ये सेल्फ सफिशिएंट एस्टैब्लिशमेंट होते हैं जो ऑफर करते हैं क्लीन कंफर्टेबल रूम्स विद द फूड एंड बेवरेज सर्विसेज। और जो लॉजेस को हम बोर्डिंग हाउसेस भी बोलते हैं एंड ये यूजली प्रोवाइड करते हैं अकोमोडेशन, मील्स एंड खाना भी प्रोवाइड करते हैं ये वीकेंड्स पे फॉर अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ स्टे। नेक्स्ट है हमारा यूथ हॉस्टल। देखिए ये जो यूथ हॉस्टल होता है ये वेरियस रीजन से यूथ के लिए बनाया गया था जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे अच्छे होटल्स, तो ये एजुकेशन, एडवेंचर, रिक्रिएशन इन पर्पस से ये बनाया गया था। और ये जो यूथ हॉस्टल होता है ये जनरली लो कॉस्ट डॉर्मेट्री सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसमें रहना, खाना पीना, सोना, नहाने की फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। और कई कई यूथ हॉस्टल आपको किचन सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा यात्री निवास। देखिए जो यात्री निवास होता है ये लो कॉस्ट सेल्फ सर्विस एकोमोडेशन होता है जो मोस्टली टूरिस्ट के लिए होता है जब वो सिटीज़ में जाते हैं। और इनका जो मेन फोकस होता है वो होता है कंफर्टेबल एंड अफोर्डेबिलिटी, मतलब आप आराम से रह सकें और ये सस्ते प्राइजेज में अफोर्ड किए जाते हैं। एंड ये जनरली जो होते हैं ये वो लोग प्रेफर करते हैं जो कहीं एक दूसरे जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं और रात को उनको एक एकोमोडेशन में रहना है जो बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे हो, तो वैसे गेस्ट को कैटर करने के लिए यात्री निवास बनाए जाते हैं। और ये बहुत ही बजट फ्रेंडली होते हैं। और ये जो यात्री निवास होते हैं ये लोकेट होते हैं हिस्टोरिकल, कल्चरल और नेचुरल साइट्स पर। नेक्स्ट आता है हमारा कैंपिंग ग्राउंड्स, जिसको हम टूरिस्ट कैंप्स भी बोलते हैं। देखिए ये जो कैंपिंग ग्राउंड्स होते हैं ये जनरली लोकेट होते हैं ओपन स्पेसेस में विद द ओपन स्काई एंड ये प्रोवाइड करते हैं पार्किंग स्पेस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, टॉयलेट्स, ऐसी फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड करते हैं। और इनकी क्या कॉस्ट होनी चाहिए, क्या रेगुलेशंस होने चाहिए, क्या सैनिटाइजेशन हाइजीन प्रोसेस होना चाहिए, वो डिसाइड करता है म्यूनसिपालिटीज़। नेक्स्ट है हमारे रेलवे रिटायरिंग रूम्स या फिर एयरपोर्ट रिटायरिंग रूम्स। आपने अक्सर देखा होगा कि रेलवे स्टेशंस पे भी आपको रहने की फैसिलिटीज़ मिलती है, जिसको हम रिटायरिंग रूम बोलते हैं, जो आप IRCTC की ऐप से भी बुक कर सकते हैं। ये होता है कैटर करने के लिए उन ट्रैवलर्स के लिए जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और ये आपको मेजर रेलवे स्टेशन पे और डोमेस्टिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे आपको मिल ही जाएंगे। एंड इनमें जो एक्सेस होता है वो आपको कंफर्म टिकट के बाद ही इनको आपको अलाउ होता है इनमें रहने के लिए विद अ नॉमिनल चार्जेस। और ये जो रिटायरिंग रूम्स होते हैं इनका जो रेट होता है वो बहुत ही रीजनेबल होता है, प्लस ये मोस्ट ऑफ द केसेस में एयर कंडीशनिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन, जिसे हम PG एकोमोडेशन भी बोलते हैं। एंड ये जो एकोमोडेशन होता है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के, जहाँ से बाहर से लोग आते हैं, जैसे बाहर से बच्चे जा रहे हैं किसी दूसरी सिटी में पढ़ने के लिए, वहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ पे उनको खाने की, रहने की, पीने की सब सुविधाएं मिलती हैं उसी PG एकोमोडेशन के अंदर बहुत ही कम चार्जेस में। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन द बेसिस ऑफ टारगेट मार्केट। देखिए इसमें सबसे पहला आता है हमारा बिजनेस और कमर्शियल होटल, इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और उसके बाद आता है ट्रांजिएंट होटल, इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको रीड कर लीजिए, इससे आपका टाइम भी सेव होगा। नेक्स्ट आता है हमारा बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल। देखिए इस टाइप के जो होटल होते हैं ये यूरोपियन कॉन्सेप्ट पे बेस होते हैं, जहाँ पे बेड एंड ब्रेकफास्ट की फैसिलिटी जनरली प्रोवाइड की जाती है
और ये एक बड़े फैमिली में, फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, सोच लीजिए कि किसी फैमिली है उसमें 10 रूम्स हैं, तो ये जो फैमिली होती है ये 5 रूम में रहती है। अब 5 रूम्स उसने बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल्स में कन्वर्ट कर दिए गए हैं, जहाँ पे लोग आके रहते हैं और फैसिलिटीज़ को यूज़ करते हैं, और जिसके बदले में वो चार्जेस पे करते हैं। इसका जो ओनर होता है वो जनरली उसी प्रीमाइसेस में रहता है और वो प्रॉपर्टी की टेक केयर करता है एंड ब्रेकफास्ट सर्विंग के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल होता है। इस रूम में जो गेस्ट होते हैं उसमें बेडरूम, ब्रेकफास्ट, ये सब रूम में ही सर्व किया जाता है, और कई कई प्लेसेस पे एक डाइनिंग रूम भी अलग से हो सकता है। बाथरूम कभी कभार अटैच हो सकता है रूम के अंदर, या फिर कॉमन वॉशरूम जो शेयरिंग बेसिस पे भी अवेलेबल हो सकता है एज पर द स्पेस ऑफ द प्रॉपर्टी। और जो इसका जनरली चार्जेस होता है वो काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से ये बजट ट्रैवलर्स के लिए बहुत ज़्यादा सूट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कैसीनो होटल्स। देखिए, ये जो कैसीनो होटल्स होते हैं ये गैम्बलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। गैम्बलिंग मतलब जुआ खेलने की जो फैसिलिटी होती है वो ये प्रोवाइड करते हैं। इसका एक एग्जांपल है लक्सर होटल्स या फिर कैसीनो इन लास वेगास। लास वेगास बहुत ही ज़्यादा जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है फेमस है कैसीनो होटल्स के लिए। कैसीनो होटल्स गैम्बलिंग फैसिलिटी के साथ साथ स्पेशलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे रेस्टोरेंट, बार्स, रूम सर्विस राउंड द क्लॉक, वेल अपॉइंटेड एंड फर्निश्ड रूम्स, मतलब रूम्स भी होते हैं बहुत अच्छी कैटेगरी के इन होटल के अंदर। एंड नाउडेज ये जो सेगमेंट है माइस का सेगमेंट, जिसको हम बोलते हैं मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशंस, इनको भी अट्रैक्ट करता है कैसीनो होटल। सो इनका जो एरिया है या फिर जो टारगेट क्लाइंटल है वो डे बाई डे बढ़ता ही जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्फ्रेंस सेंटर्स की। देखिए, ये जो वर्ड है कॉन्फ्रेंस, इसका मतलब होता है मीटिंग, मतलब मीटिंग करने के लिए यूज़ होता है। एंड कई कई बार जो मीटिंग होती है वो एक दिन से ज़्यादा दिन भी चलती है, मतलब जो कॉमन इंटरेस्ट के लिए मीटिंग होती है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है, जहाँ पे पैनल बैठा हुआ है, लिसनर्स बैठे हुए हैं, रिक्रूटर्स बैठे हुए हैं, तो इन बेसिस पे या फिर इनको ही हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंस सेंटर। जो कॉन्फ्रेंस सेंटर है इज़ अ होटल दैट केटर्स द नीड्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस डेलीगेशंस। और ये बड़े बड़े होटल्स में जनरली कॉन्फ्रेंस सेंटर होता है, जो होटल्स मोर देन आपके 400-500 रूम्स के होते हैं। और ये जो कॉन्फ्रेंस सेंटर होते हैं इनके अंदर कॉन्फ्रेंस हॉल होता है, जिसके अंदर सिटिंग फैसिलिटी होती है मीटिंग के लिए एंड डिस्कशन के लिए, जहाँ पे फूड एंड बेवरेज की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, फ्लिप चार्ट्स, ये वाइट बोर्ड, मार्कर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्क्रीन, कंप्यूटर्स, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ये सब इक्विपमेंट भी प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि जो कॉन्फ्रेंस है वो बहुत ही स्मूथ और एक अच्छे स्केल पे हो सके। और ये जो कॉन्फ्रेंस सेंटर होता है इससे बहुत ज़्यादा बिजनेस जनरेट होता है वन टाइम पे किसी भी होटल को या फिर पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस सेंटर को। नेक्स्ट है हमारा ग्रीन होटल्स। देखिए, आज के डेट में हर होटल चाहता है कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस करे, जिसके चक्कर में बहुत सारे जो होटल्स हैं वो अब इको फ्रेंडली होटल्स होते जा रहे हैं, या फिर वो जो काम करते हैं उनके काम करने के तरीके में वो एक इको फ्रेंडली प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से दे सेव वाटर, सेव एनर्जी, सेव वेस्ट एंड रिड्यूस करते हैं वेस्ट को भी। नेक्स्ट है हमारे रेजिडेंशियल होटल। इनके बारे में भी मैं पहले आपसे बात कर चुका हूँ, तो यहाँ पे आप सिंपली इसको पढ़ सकते हैं और आपको सब समझ में आ जाएगा, या फिर आप उस पॉइंट पे दोबारा जाके वीडियो को प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्वीट होटल्स। देखिए, ये जो स्वीट होटल्स होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं हाईएस्ट लेवल ऑफ पर्सनलाइज सर्विस, मतलब अल्ट्रा लग्जरी सर्विस ये स्वीट होटल प्रोवाइड करते हैं। और इनके अंदर आपका लिविंग एरिया, किचन, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, बेडरूम विद अटैच बाथरूम, इवन समटाइम्स इवन अ डांस फ्लोर, तो एक अल्ट्रा लग्जरी फैसिलिटीज़ होती हैं इन होटल के अंदर, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बुटीक होटल्स। ये थीम बेस्ड होटल्स होते हैं जो आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। और ये जो होटल्स होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं, बट ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, और इनका हर रूम की कैटेगरी या फिर हर रूम बहुत ही डिफरेंटली डिज़ाइन किया जाता है किसी थीम के ऊपर। एंड ये जो होटल होते हैं इनमें जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, कॉफ़ी शॉप्स होते हैं, ये भी डिफरेंट डेली बेसिस पे या फिर परमानेंटली डिफरेंटली डिज़ाइन किए जाते हैं, ताकि ये नॉर्मल होटल से अलग रख सकें, और यही इनकी सबसे बड़ी एसओपी होती है। नेक्स्ट आता है हमारा कन्वेंशन होटल्स। देखिए, ये जो कन्वेंशन होटल्स होते हैं ये लार्ज कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो केटर करते हैं पब्लिक को, मतलब जो बहुत सारी पब्लिक की जो मीटिंग होती है, जो गेस्ट आते हैं उनकी मीटिंग को ये केटर करते हैं। और
ये जो कन्वेंशन होटल होता है इनको हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि फॉर्मल असेंबली और मीटिंग ऑफ मेंबर रिप्रेजेंटेटिव और डेलीगेट्स ऑफ अ ग्रुप फॉर जनरल एग्रीमेंट ऑन और एक्सेप्टेंस ऑफ सर्टेन प्रैक्टिसेस और एटीट्यूड्स। तो इसको भी हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कन्वेंशन होटल्स को। और बात कर लेते हैं टाइम शेयर होटल्स की। देखिए ये जो टाइम शेयर होटल्स है ये आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा फेमस होते जा रहे हैं स्पेशली इंडिया में। ये एक न्यू कॉन्सेप्ट ओनरशिप होटल्स हैं जिनको हम वेकेशन ओनरशिप या फिर हॉल ओनरशिप कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं रिजॉर्ट एरियाज लाइक हिल्स बीचेस एंड फॉरेस्ट। नाम से ही पता चल रहा है ये एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन को एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के लिए पूरे ईयर में खरीद लेते हैं, जो आपका एक वीक दो वीक या 15 दिन भी हो सकता है। इसकी एक खास बात है कि इसका जो ईच रूम है या फिर जो ईच सुइट है वो कई लोग साल में इसके ओनर बन सकते हैं, क्योंकि ये एक शेड्यूल बेसिस पे डिफाइन किया जाता है और ये मैनेजमेंट को एडवांस में ही पैसे देके उनको खरीद लेते हैं साल के किसी भी ईयर में जो इसका बेस्ट पार्ट होता है। और उस टाइम स्लॉट को जब भी ब्लॉक करता है तो उसको कोई और यूज़ नहीं कर सकता है। इसमें जो फैसिलिटी प्रोवाइड होती है वो होता है आपका फुली फर्निश्ड रूम्स विद किचन डाइनिंग हॉल बार और भी बहुत कुछ। एक आपको पर्टिकुलर टाइम शेयर फीस जो होती है वो आपको पे करनी पड़ती है और जो प्रॉपर्टी की प्राइस है वो डिपेंड करता है उस वीक के ऊपर, मतलब क्या वो पीक सीजन में है या ऑफ सीजन में है या सेमी पीक सीजन में है, तो उस पर बहुत डिपेंड करता है और उसके हिसाब से प्राइसिंग तय की जाती है कि कितनी डिमांड है उस प्रॉपर्टी की उस लोकेशन में। और जो भी टाइम शेयर होटल्स का मेंबर बनना चाहता है उसको एक एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन फी देना होता है टुवर्ड्स द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक एरिया, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सेफ्टी इंश्योरेंस। एंड जो ओनर होता है वो इसको रेंट भी कर सकता है थ्रू द मैनेजमेंट। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है इंडिया में जो टाइम से बेसिस पे ऑपरेट करता है वो है हमारा क्लब महिंद्रा। नेक्स्ट है हमारा कॉन्डोमिनियम होटल्स। देखिए ये टाइम शेयर होटल्स जैसे ही होते हैं, सिर्फ इसमें एक ही डिफरेंस है ओनरशिप का, जहाँ पे आपका टाइम शेयर में मल्टी ओनर्स हो सकते हैं थ्रू आउट द ईयर, लेकिन कॉन्डोमिनियम में आपका एक ही ओनर रहेगा थ्रू आउट द ईयर। ये एक मेजर डिफरेंस है जो आपका टाइम शेयर एंड कॉन्डोमिनियम होटल्स में होता है। और ये जो कॉन्डोमिनियम यूनिट्स हैं इनको हम कॉन्डो भी बोला जाता है। यहाँ पे हर एक ओनर बाय और सेल कर सकता है इंडिपेंडेंटली अपना यूनिट, लेकिन उसको मैनेजमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको फॉलो करने ही होते हैं। एंड इन सम केसेस मैनेजमेंट खुद भी ओनर को हेल्प करता है उस प्रॉपर्टी को रेंट आउट करने के लिए, एंड वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं फॉर द ओनर सेफ्टी, एंड वो ओनर को एक पोर्शन भी पे करते हैं उस रेंट से जो उनकी कमाई होती है। एंड यूजली द मैनेजमेंट रिक्वेस्ट द ओनर टू रेंट आउट इन केस ऑफ मेजर कॉन्फ्रेंसेज। अगर उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में बहुत सारे लोग आ गए हैं और कोई मेजर कॉन्फ्रेंस हो रही है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रूम चाहिए, आउटिंग के लिए स्पेस चाहिए, तो वो ओनर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। देखिए जिसमें सबसे पहले आता है हमारा इंडिपेंडेंट होटल्स। देखिए ये जो इंडिपेंडेंट होटल्स होते हैं ये एक इंडिविजुअल होटल होता है जो कोई भी मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट एफिलिएशन से जुड़ा हुआ नहीं होता, मतलब इसका कोई टाई अप नहीं होता है और ये कोई भी डिफरेंट पॉलिसीज दूसरे होटल की पॉलिसी प्रोसीजर्स या फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन से फॉलो नहीं करते हैं, ना इनको होती है कोई भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। मतलब ये अपने हिसाब से ऑपरेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से ऑक्यूपेंसी रेट्स बढ़ा घटा सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं होता है ऐसे होटल्स के अंदर। एडवांटेज ऐसे होटल्स का, मतलब इंडिपेंडेंट होटल्स का एडवांटेज ये होता है कि इनको कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एक पर्टिकुलर इमेज ही मेंटेन करें मार्केट के अंदर या फिर इनके पास कोई सेट टारगेट्स है, ये अपने हिसाब से ऑपरेट कर सकते हैं एंड चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट ट्रेंड्स, एंड ये ऑटोनोमस ही ऑपरेट करते हैं। ये बहुत ज़्यादा फेमस है इंडिपेंडेंट होटल्स, मतलब एक इंडिविजुअल होटल, मतलब जो कि चेन से एफिलिएटेड नहीं है। नेक्स्ट है हमारा चेन होटल्स। देखिए ये जो चेन होटल्स हैं ये इनके जितने भी होटल्स थ्रू आउट द कंट्री या फिर वर्ल्ड वाइड होते हैं, इनमें सेम प्रोसीजर, सेम एडमिनिस्ट्रेशन, सेम पॉलिसी, सेम SOP, हर एक चीज़ सेम फॉलो की जाती है थ्रू आउट द ईयर, एंड इनमें फाइनेंशियल टारगेट्स भी होते हैं कि आपको ऑक्यूपेंसी इतना रखना है, मंथली बजट्स होते हैं, ईयरली बजट्स होते हैं जो आपको अचीव करने होते हैं, और जो भी आपका कोई चेंजेस आता है, कोई पॉलिसी आती है, वो आपको सारे होटल्स में कन्वे करना है, बस सेम स्टैंडर्ड की चीज़ें ही हर जगह फॉलो की जाएंगी। चेन होटल्स का बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे ओबेरॉय ग्रुप ऑफ होटल्स, ITC होटल्स, ताज ग्रुप ऑफ होटल्स जिनके बहुत सारे होटल्स हैं, मैरियट ग्रुप ऑफ होटल्स जिनके बहुत सारे होटल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में, लेकिन जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे
साबुन भी सेम कंपनी का, सेम स्टैंडर्ड का, मतलब हर एक चीज़ सेम स्टैंडर्ड की फॉलो होती है, उनको हम बोलते हैं चेन होटल्स। और ये जो चेन होटल्स हैं ये तीन तरीके से क्लासिफाई हो सकते हैं। जो पहला है हमारा मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है फ्रेंचाइजी, तीसरा हमारा ग्रुप होटल्स। देखिए जो हमारा पहला है वो है मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। देखिए इसमें क्या होता है कि जहाँ पे वो होटल बना है, ठीक है, वो लैंड किसी और का हो सकता है, वो होटल किसी और का हो सकता है, मतलब वहाँ का जनरल मैनेजर कोई और है, वो लैंड किसी और का है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया है उस प्रॉपर्टी ओनर के बीच में और उस होटल ऑपरेटर के बीच में कि हाँ भाई मैं अपनी ज़मीन आपको 10 साल के लिए दे रहा हूँ, यहाँ पे आप होटल को ऑपरेट करिए, मुझे आपकी प्रॉपर्टी का, मुझे आपकी जो भी प्रॉफिट होगा उसका मुझे आपको 5% 10% 10% जो भी डिसाइड होगा वो आपको मुझे देना होगा। आप कैसा ऑपरेशन चला रहे हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है। बाकी जो भी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, हायरिंग फायरिंग, कैसे रेवेन्यू लाना है, क्या रूम रेट सेट करना है, वो सब होटल ऑपरेटर के उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो अपने हिसाब से उसको टैकल कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रेंचाइजी। देखिए ये जो फ्रेंचाइजी होती है इसमें आप एक इंडिविजुअल कंपनी, फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए IHG है, तो एक इंडिविजुअल कंपनी ने क्या किया कि उसने बोल दिया कि हाँ अब हम बहुत सारे होटल्स को एक्वायर करेंगे, या फिर आप अपने होटल को हमारा नाम दे सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे जो फैसिलिटी देनी होगी, हमारे सर्विसेज, हमारी ब्रांड इमेज, गुडविल, जो भी हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, हर एक छोटी छोटी चीज़ वो हमारे ब्रांड लोगो के वहाँ पे होगी, और हम आप हमारा अपना नाम, आप हमारा नाम यूज़ कर सकते हैं अपने होटल को सेल करने के लिए। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है हमारा, जैसे कि मैं बताया आपको हॉलिडे इन, चॉइस इंटरनेशनल, रमाड़ा, तो ऐसे ही कुछ होटल्स हैं जो फ्रेंचाइजी बेस पे करते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि होटल को बिज़नेस बहुत अच्छा आता है, बिकॉज जो पेरेंट कंपनी होती है जिसका नाम लिया हुआ है वो बहुत ज़्यादा मार्केट में फेमस होती है, जिसकी वजह से लोग वहाँ पर जाना पसंद करते हैं। लेकिन हाँ, उनको थ्रू आउट द ईयर जब तक वो एक फ्रेंचाइजी कॉन्ट्रैक्ट है तब तक आपको वहाँ पे सब मेंटेन करके रखना है, मतलब तब तक आपको वो सारे प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं अपनी पेरेंट कंपनी के। और लास्ट आता है हमारा रेफरल ग्रुप्स। देखिए ये कंसिस्ट करता है इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ होटल्स, मतलब इंडिपेंडेंट होटल्स बहुत सारे हो गए हैं, जो एक में क्या होता है जो मेंबर होटल होता है, मतलब एक इंडिपेंडेंट होटल अपने गेस्ट को दूसरे इंडिपेंडेंट होटल, अगर वो कहीं ट्रैवल कर रहा है तो वो रिकमेंड करता है जो सेम लेवल ऑफ सर्विस प्रोवाइड करता है। इससे क्या होता है कि बिना किसी मार्केटिंग के, वर्बल मार्केटिंग के जरिए भी होटल्स को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू होता है। अब बहुत सारे ग्रुप हैं जो इसको फॉलो करते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल है जो वन ऑफ द लार्जेस्ट होटल चेन है, बेस्ट वेस्टर्न चेन, जो रेफरल ग्रुप्स को फॉलो करता है। नेक्स्ट हमारा टाइम शेयर होटल। इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसके और कॉन्डोमिनियम के बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप प्रीवियस मेरा जाके देख सकते हैं, वहाँ से आपको आसानी रहेगी ये देखने के लिए। लास्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टार कैटेगरी, जो मोस्टली अगर आप ले मैन कोई पूछेंगे तो वो भी उसको भी इस क्लासिफिकेशन के बारे में पता होगा कि भाई हाँ भाई वो 4-स्टार होटल है, ये 3-स्टार होटल है, ये 2-स्टार होटल्स है। तो ये जो ले मैन की क्लासिफिकेशन होती है उसके टर्म में भी हम इसको बोल सकते हैं। जिस ये जो अब सवाल आता है कि होटल्स को क्लासीफाई करता कौन है स्टार कैटेगरी में, एंड रेस्टोरेंट अप्रूवल एंड क्लासिफिकेशन कमेटी जो हेड करता है डायरेक्टर जनरल ऑफ टूरिज्म, जिसमें कुछ मेंबर्स होते हैं, जैसे होटल इंडस्ट्री के कुछ वेटरन मेंबर हो गए, ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, प्रिंसिपल्स, IHM कॉलेजेस को, तो ये लोग हैं जो मिलके होटल को क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा 1-स्टार होटल। देखिए ये जो होटल होते हैं ये बहुत ही स्मॉल होते हैं, जो मैनेज करते हैं होटल के ओनर खुद ही, एंड इसमें लोकली अगर आप देखेंगे तो इसमें ज़्यादा सर्विसेज, इसमें कुछ भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं होती हैं, जैसे कि आपका रेस्टोरेंट हो गया, इन रूम सर्विस हो गया, तो ये सब कुछ प्रोवाइड नहीं होता है। हाँ, एक आसपास के डिस्टेंस में आपका वो फैसिलिटी अवेलेबल हो सकती है, लेकिन होटल के अंदर ये प्रोवाइड नहीं होता है। क्लासिफिकेशन के कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने लिख रखे हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट आता है हमारा 2-स्टार होटल्स। जो 2-स्टार होटल्स है उसमें कम से कम 10 रूम होने चाहिए, जिसमें से 75% में बाथरूम, अटैच बाथरूम विद शावर की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। ये जो होटल होते हैं ये बहुत ही नॉमिनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं विद द बेस्ट रेट्स, एंड इनको बजट ट्रैवलर्स बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 3-स्टार होटल्स। देखिए ये जो होटल होते हैं ये जनरली सस्पिशियस अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें एक वेल अपॉइंटेड स्टाफ होता है, एंड जो लॉबी होती है वही बहुत ही डेकोरेटेड होती है। इसमें आपको बेल डेस्क की सर्विसेज जनरली अवेलेबल नहीं होती हैं,
और ये बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए भी हो सकता है एंड ये वेल इक्विप्ड होता है, वेल फर्निश्ड, वेल मेंटेन, जिसमें एक रेस्टोरेंट की फैसिलिटी भी हो सकती है। और 3-स्टार होटल की कैटेगरी में आने के लिए आपको कम से कम 20 रूम्स होने ही चाहिए। 3-स्टार होटल्स में एटलीस्ट 50% होटल में आपका एयर कंडीशनिंग की फैसिलिटीज़ होनी ही चाहिए और कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ है जो आप नीचे देख सकते हैं, ये सब भी एक 3-स्टार होटल्स में होनी ही चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा एक 4-स्टार होटल। देखिए इसका फसाद, एक जो आर्किटेक्चुरल जो इसके फीचर्स होते हैं, जो कौन सा होटल में कम से कम 25 रूम्स होने ही चाहिए विद द अटैच्ड बाथरूम। देखिए आज की डेट में आपको बहुत सारे 4-स्टार होटल्स मिल जाएंगे, तो डिपेंड करता है कि वो किस लेवल के सर्विस प्रोवाइड करते हैं। किसी किसी 4-स्टार होटल में आपको स्विमिंग पूल की फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी, वेल डेकोरेटेड रिसेप्शन, बेल डेस्क फैसिलिटी। तो ये कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो एक 4-स्टार होटल के अंदर होती हैं। अब बाकी कुछ जो पॉइंटर्स वो मैंने लिख रखे हैं आप उसको पढ़ सकते हैं। और लास्ट स्टार कैटेगरीज में आता है हमारा 5-स्टार होटल। देखिए 5-स्टार होटल का जो आपका फसाद, आर्किटेक्चरल, जनरल, होटल बिल्डिंग बहुत ही एक हाई अल्ट्रा हाई क्वालिटीज़ का होता है और इसकी जो एस्थेटिक अपकीप होती है वो भी बहुत अच्छे से मेंटेन की जाती है। इसके अंदर आपको हर एक फैसिलिटी मिल जाएगी, जैसे कि जिम, स्पा, सलून, रिसेप्शन, बेल डेस्क, ट्रेवल डेस्क, इन रूम सर्विस, रेस्टोरेंट, बार, एक बहुत ही अल्ट्रा लग्जरी आपको फैसिलिटी मिल जाएगी इनके अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा हेरिटेज होटल्स। देखिए जो हेरिटेज होटल्स होते हैं ये होटल इंडस्ट्री में रिसेंटली एक एडिशन है क्लासिफिकेशन का। और ये जो हेरिटेज होटल्स होते हैं ये स्मॉल फोर्ट, पैलेसेस, हवेली, मैंशंस, रॉयल, इन फैमिलीज़ के ही होते हैं। ये जो हेरिटेज होटल्स होते हैं ये जनरली ट्रेडिशनल वे में ऑपरेट करते हैं, मतलब जो स्टाफ का ड्रेसिंग सेंस पहनने का है या फिर यहाँ कोई प्रोग्राम होता है, कोई फूड हो गया, तो बहुत ही ट्रेडिशनल वे में ये ऑपरेट करते हैं और जनरली ये आपको एक ट्रेडिशनल प्लेस पे ही पाए जाएंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा उदयपुर में ताज लेक पैलेस, जो एक हेरिटेज होटल है। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने हेरिटेज होटल्स को 2 पार्ट में और डिवाइड कर दिया है, हेरिटेज क्लासिक एंड हेरिटेज ग्रैंड। देखिए जो हेरिटेज क्लासिक है उसमें कवर होते हैं हमारे रेजिडेंसेज, हवेलीज, हंटिंग लॉजेस, कैस्टले, फोर्ट्स और ये बहुत कुछ। लेकिन जो बिल्ड हुए हैं प्रायर टू 1935 बट आफ्टर 1920, मतलब 1920 से लेके 1935 के बीच में जो बिल्ड हुए हैं उनको हम बोलते हैं हेरिटेज क्लासिक। और जो हेरिटेज ग्रैंड है जो 1920 से पहले बिल्ड हुए हैं उनको हम बोलते हैं हेरिटेज ग्रैंड। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या फिर होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने मेरी लिंक्डइन आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और अगर आप हमसे प्रोफेशनल रिज्यूमे बनाना चाहते हैं तो उसकी भी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं और मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपने हमारी दूसरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके या फिर वीडियो सेक्शन में जाके उनको जरूर चेक करिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।